तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है मिड रेंज स्मार्टफोन की वीकनेस के बारे में। तो दोस्तों, जो मिड रेंज स्मार्टफोन अपने आप में काफ़ी यूनिक गैजेट्स बनाता है और काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स के साथ आता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सही जानते हो कि इसमें आपको 600 सीरीज़ और 700 सीरीज़ के प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज ये बन जाता है कि जो कंपनीज है वो सबसे ज़्यादा कंपनीज मिड रेंज स्मार्टफोन की और आज की डेट में फोकस है, जिसके कारण कि वहाँ पर आपको चैलेंज देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों, हर एक कंपनी अपने आप के जो स्मार्टफोन्स है उनको बेहतरीन बनाना चाहती है, बेस्ट बनाना चाहती है, जिस कारण कि जो लोग है उस स्मार्टफोन को खरीद सके। भले ही लोगों का इस तरह से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कंपनीज को काफ़ी बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। अगर आप किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी की जो अर्निंग हो रही है वो काफ़ी कम लेवल तक हो रही है। भले ही जो कस्टमर्स है उनको काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और न्यू टाइप की इनोवेशंस देखने को मिलती है इतने कम दाम में। तो दोस्तों, इसलिए कंपनी को तो थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं उनको थोड़ा अच्छा है। दोस्तों, अगर आप बात करें कस्टमर की प्रॉब्लम की, तो कस्टमर को एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो रही है जो कि लगभग हर एक को प्रॉब्लम हो रही है, कि दोस्तों जो कंपटीशन है उस कारण कंपनीज बहुत ज़्यादा है और जो कंपनीज है वो अपने एक स्मार्टफोन को बनाती है। जैसे कि मान लो आपने किसी स्मार्टफोन को खरीद लिया और कल के दिन ही आपको एक ऐसे टाइप का स्मार्टफोन देखने को मिला जो कि आपके स्मार्टफोन से बेस्ट है। तो दोस्तों, आप अगर अपने स्मार्टफोन की ओर से दोबारा से मतलब कि वो स्मार्टफोन खरीदे जो कि लेटेस्ट आया है, तो दोस्तों इतना ही नहीं रुकता, मतलब कि कंटिन्यूटी में इस तरह से बढ़ती जा रही है स्मार्टफोन की सप्लाई। तो दोस्तों, जितनी सप्लाई बढ़ रही है तो जो कंज्यूमर्स है वो काफ़ी कम हो रहे हैं, जिस कारण कि मतलब कि आपको मार्केट में एक इस टाइप से देखने को मिलेगा कि प्राइस काफ़ी कम भले ही होगा, लेकिन आपको जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी मिल सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एडवांस हो रही है। अगर आप मिड रेंज स्मार्टफोन की कैटेगरी की बात करें और जो चीज़ें हो रही है बहुत जल्दी शफल हो रही है, तो इस तरह से ऐप के प्रॉब्लम हो सकती है जो कि मेजरली आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है वो है एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन जो कि 1900 प्राइस के अंदर आता है, 19,000 प्राइस के अंदर आता है, जैसे कि आपको पोको का स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो पोको स्मार्टफोन है वो अपने आप में काफ़ी मतलब कि ऐसी चीज़ है जो कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन को इजीली चैलेंज कर देता है। तो दोस्तों, अगर कंपनीज इस प्राइस में ऐसे फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन्स लाए जो कुछ मतलब कि इस टाइप से चैलेंज करें मिड रेंज स्मार्टफोन को, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन सकती है मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट के लिए, कि दोस्तों जो लोग हैं वो मतलब कि शफल कर दे अपने स्मार्टफोन की कैटेगरी को फ्लैगशिप मिड रेंज से फ्लैगशिप किलर की ओर। तो दोस्तों, इस तरह से भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज देखने को मिल सकता है स्मार्टफोन कंपनीज को। तो दोस्तों, जो तीसरी सबसे बड़ी बात हो जाती है वो आपको देखने को मिलती है वो है गूगल पिक्सल 3a और 3a+ स्मार्टफोन टाइप के स्मार्टफोन्स, जो कि स्पेसिफिकेशन आपकी जो मिड रेंज वाली यूज़ करते हैं और काफ़ी हाई प्राइस में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर आपकी स्पेसिफिकेशन जो मिड रेंज स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन अगर आप जो फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन के डिपार्टमेंट में दे, तो दोस्तों आपका जो मिड रेंज स्मार्टफोन, मैं इसको मतलब कि अटैच कर रहा हूँ मिड रेंज स्मार्टफोन से क्योंकि स्पेसिफिकेशन वाइज मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पर जो गूगल पिक्सल ने स्मार्टफोन लॉन्च किया है, तो इस तरह से अगर आप बात करें मार्केट की, जो आपका मिड रेंज का मार्केट है, तो दोस्तों उसमें आपको चैलेंज देखने को मिलेगा कि इतनी बड़ी इतनी मतलब कि कम स्पेसिफिकेशन और इतना ज़्यादा प्राइस, और दूसरी ओर आपको पोको जैसे स्मार्टफोन्स इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन और इतना कम प्राइस। तो दोस्तों, अल्टरनेटली काफ़ी चैलेंज देखने को मिलते हैं इस तरह से भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरे चैनल बीटेक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ हर दिन लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।